दोस्तों, राम लला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कांग्रेस दो भागों में बट गई है। जहां एक ओर कांग्रेस के बड़े नेता प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने से मना कर चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मंदिर उद्घाटन से पहले अयोध्या पहुंचे, साथ ही ये भी जानकारी दी कि वो प्राण प्रतिष्ठा में भी शामिल होंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की इकाई सोमवार को मकर संक्रांति के अवसर पर अयोध्या में राम लला के द्वार पहुंची। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने सरयू में स्नान किया और भगवान को आस्था का प्रतीक बताया। यूपी कांग्रेस प्रमुख अजय राय ने पार्टी नेताओं अविनाश पांडे, दीपेंद्र हुड्डा, अखिलेश प्रताप सिंह के साथ अयोध्या में सरयू नदी में पवित्र डुबकी लगाई। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भगवान राम हमारी आस्था का प्रतीक है। हमारा मानना है कि राम सबके हैं, भगवान राम हर व्यक्ति के भीतर है। यह पहली बार नहीं है जब मैं अयोध्या आया हूँ। मैं एक साल पहले रामलला की पूजा करने के लिए यहाँ आया था। दोस्तों, इस दौरान कुछ लोगों ने राम मंदिर के बाहर कांग्रेस का झंडा तोड़ते हुए और फाड़ते हुए देखा गया। कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, सांसद दीपेंद्र हुड्डा समेत कई नेता शामिल रहे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ हुई बदसलूकी पर अविनाश पांडे ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि हम इस बात की निंदा करते हैं कि कुछ लोग धर्म को राजनीति से जोड़कर अशांति पैदा करना चाहते हैं। हो सकता है कि वे कुछ नासमझ लोग हों जो ऐसा करना चाहते हैं। हम सिर्फ प्रार्थना करने आए थे। इस पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया था। दोस्तों, आप भी देखिए कुछ वायरल वीडियो और इन वीडियो के बारे में खास तौर से कांग्रेस के झंडे को तोड़कर फाड़ने की जो घटना घटी है अयोध्या में, उसके बारे में आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं।